जे उनको रिमांड किया भी पूरा होने के बाद उनको लाया गया। लाने के बाद उनको जो रिमांड न्यायालय के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जुडिशियल कस्टडी, हाँ हाँ प्लीज, क्या होगा सर, थोड़ी कार्रवाई बता। उनकी चूंकि रिमांड की अभी खत्म हो गई थी, समाप्त रिमांड के अभी होने के बाद फिर माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जुडिशियल कस्टडी में आज भेजने का आदेश हुआ। जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। बिरसा मुंडा अभी जो है बिरसा मुंडा ही है, उसके बाद व्यवस्था सरकार की है, सरकार क्या सोचती है, जहाँ सरकार को रखना है वो प्रशासन के काम है, प्रशासन करते हैं। सर क्या अब हेमंत सोरेन, हेमंत स्वाभाविक है, नेचुरल है कि तो बेल की प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा। तो सर वो तो पहले सिविल ही कोर्ट में प्रॉपर चैनल में, मतलब यहाँ सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। जो ट्रायल कोर्ट है प्रॉपर चैनल में, ट्रायल कोर्ट में बेल फाइल होगा, उसके बाद जो आदेश होगा आदेश के अनुरूप काम होगा। क्योंकि कस्टडी में रहने के बाद 14 दिन का ही न्यायिक हिरासत होता है, तो कस्टडी में जाने के बाद फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत रहता है। तो अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में रहेगा जब तक कि अब उनके द्वारा बेल फाइल किया जाएगा। बेल फाइल करने के बाद जैसा कोर्ट का आदेश होगा, जैसा उनका आदेश के अनुरूप ही काम होगा। तो सर अभी कितने नहीं है कि कितने दिन तक रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी की अवधि बढ़ते चली जाएगी। जुडिशियल कस्टडी अब उनके है कि वो उनके द्वारा बेल फाइल किया जाएगा, अगर बेल मिलता है तो फिर उनको बाहर आ जाएंगे। सर अपना से माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप कहीं से भी उनके ऊपर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जो 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में उनको आरोपित बनाया जा रहा है, जिसके लिए उनको मुख्यमंत्री पद से उतारा गया है और उनको जेल ले जाया गया है या ईडी के कार्यालय में रखा गया, उनके कस्टडी में रखा गया है, वो 8.5 एकड़ ज़मीन का कहीं से भी साक्ष्य मिल नहीं रहा है। फिर भी जबरदस्ती माननीय हेमंत सोरेन जी को कस्टडी पर रखा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों 5 दिन का रिमांड लिया गया, उसके बाद फिर 5 दिन का रिमांड लिया गया, फिर 3 दिन का रिमांड लिया गया और रिमांड की अवधि खत्म होते ही आज उनको हटवार ले जाया गया है। तो लेकिन हमें उम्मीद है न्यायालय पर कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा, माननीय हेमंत सोरेन जी को न्याय मिलेगा, झारखंड वासियों को न्याय मिलेगा, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को न्याय मिलेगा। और जब तक वो कस्टडी में है, जब तक उनका न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तब तक हम मांग करना चाहेंगे कि उनको कैंप जेल की तरह किसी दूसरे जगह रखा जाए, आम कैदियों की तरह नहीं। वो बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा नहीं है, बहुत बड़ा और उस तरह का भ्रष्टाचारी नहीं है कि उनको आम कैदियों की तरह उनको रखा जाए, इसलिए उनको कैंप जेल में रखना चाहिए।